वेलकम बैक रॉकर्स दोस्तों। मूवी की शुरुआत एक सपने से होती है जिसमें एक अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, फिर एक छोटी सी बच्ची और एक खुले मैदान में दौड़ती हुई लड़की, और अचानक से सपना टूट जाता है और मैथ्यू अपनी नींद से उठ जाता है। फिर वो एक प्लेन में होता है जो फ्रांस में उतर रहा होता है, और हवाई अड्डे से बाहर निकलते वक्त वो अपनी 12 साल की बेटी सारा को फोन करता है और कहता है, बेटा मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। अब वो जल्दी जल्दी हाईवे पर कार चलाकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहां उसे वॉकी टॉकी पर सारा की कॉल आती है और सारा उसको अपनी माँ के घर आने के लिए कहती है। फिर मैथ्यू अपने बैग में से एक डब्बा निकालता है और अपने अपार्टमेंट से निकलकर पास की बिल्डिंग में जाने के लिए सड़क पार कर रहा होता है। तभी उसके पड़ोसी मिस्टर बेलकामैन भी उसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं और मैथ्यू उसके ऑक्सीजन टैंक को अंदर ले जाने में उसकी मदद करता है और फिर जल्दी से ऊपर जाता है और अपनी पत्नी अना के घर का दरवाजा खटखटाता है और उसकी पत्नी उसका स्वागत एक किस के साथ करती है और उसको बताती है कि वो एक ऑनलाइन क्लास ले रही है। अब इंतजार करते हुए मैथ्यू दूसरे कमरे में अपनी बेटी के पास जाता है और तब हम देखते हैं कि सारा को एक अच्छे से बंद कर एक कैप्सूल में रखा गया है क्योंकि उसे टोटल एलर्जी ऑटो इम्यून सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। और फिर मैथ्यू अपनी बेटी को हाई करता है और उसके क्रश के बारे में उससे पूछता है और साथ ही उपहार के रूप में वो उसके लिए एक डब्बा भी लाया होता है। सारा उस डब्बे को खोलती है और उसमें कनाडा की एक सेंट होती है और उससे ये बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसके पिता तो मार्सेलिया गए थे। अब मैथ्यू उसे बोतल के नीचे देखने को कहता है और जब वो बोतल के नीचे देखती है तो वहां उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसे वो जल्दी से अपने वर्चुअल रियलिटी प्लेयर में डाल देती है। मैथ्यू उसके लिए पहाड़ों और नदियों की वीडियो बनाकर लाया है और तभी यहाँ आना की ऑनलाइन क्लास भी खत्म हो जाती है और मैथ्यू उसे बात करने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो इंटरव्यू के लिए मार्सेलिया नहीं कनाडा गया था क्योंकि वहां सारा की बीमारी के लिए एक नया उपचार खोजा गया है और वो सारा के इलाज करने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लेकिन अना को इस बात पर संदेह होता है क्योंकि उसने अपने डॉक्टर से इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना। और फिर मैथ्यू उसको बताता है कि यह अभी नया इलाज है जिन्हें अभी तक ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बस कनाडा जाना होगा। लेकिन यह बात अना को पसंद नहीं है। अब वो सोचती है कि मैथ्यू चीजों को बहुत ही उलझा रहा है। वो कहती है कि हम पहले ही बहुत खुशकिस्मत हैं कि सारा को हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़ रहा है और उसके पास जीने के लिए हम हैं और एक अच्छी जिंदगी भी है और अब हम उसका इलाज करा के दोबारा उसको रिस्क में नहीं डाल सकते। और फिर सारा अपने कुछ दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। उनको भी वही बीमारी होती है जिसमें चार्लोट नाम की एक लड़की और सारा का क्रश नोई होता है। मैथ्यू और अना अभी भी इस नए इलाज के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर मैथ्यू अना से कहता है कि वो इस बारे में सोचे। तभी अना कहती है कि जब इस इलाज के परिणाम सामने आएंगे तभी वो जा सकते हैं, लेकिन मैथ्यू कहता है कि जाना है या नहीं इस बात को तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा। वो चाहता है कि ये डॉक्टर सारा को कैप्सूल से बाहर निकाल सके ताकि वो आखिरकार उसको एक बार गले तो लगा ले। और फिर अना उसे थोड़ा समय मांगती है, इसलिए मैथ्यू अपार्टमेंट से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। अब सारा अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तभी टीवी पर एक महत्वपूर्ण समाचार आता है और उसमें बताया जाता है कि एक ऐसा खतरनाक भूकंप आया जिसने स्वीडन और डेनमार्क को अलग कर दिया है और ये आज तक कभी नहीं देखा गया था। मैथ्यू नारा होता है जब वो ये बात सुनता है और ठीक उसी समय पेरिस में भी भूकंप आ जाता है। अब अचानक बिजली चली जाती है और सारा का कैप्सूल बैटरी पर चलना शुरू हो जाता है। फिर सारा अपने पिता को कॉल करती है जो जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा होता है। वो उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है और मैथ्यू सारा से कहता है कि वो जल्दी वहां रहे। और जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो एक अलार्म सुनता है और लोगों को सड़कों पर भागता हुआ देखता है। फिर सारा मैथ्यू को फिर से कॉल करती है और वो उससे कहता है कि वो और उसकी माँ घर में रहे, बाहर मत निकलना। अब वो सड़क पर चल रहा होता है और पक्षियों के झुंड को बुरी तरह से उड़ते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि जमीन से एक गंदी धुंध निकल रही है और जो भी उसमें सांस लेता है वो मर रहा होता है। अब वो धुंध निकलती जाती है और पूरे शहर में फैल जाती है। फिर मैथ्यू तुरंत अपने परिवार के पास भागता हुआ जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद वो अना को खिड़की के पास देखता है, इसलिए वो जल्दी से उसे वहां से खींच कर लेके जाता है और उसे कहता है कि ये धुंध में सांस मत लेना। और फिर वे सारा से कहता है कि उन्हें उसे वहीं छोड़ना होगा, लेकिन वो उससे वादा करते हैं कि वो जल्दी उसको लेने वापस आएंगे। अब धुंध हर जगह फैल जाती है और मैथ्यू और अना ऊपर की ओर भागते रहते हैं। फिर वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां लूसन और कॉलेट नाम का एक बुजुर्ग जोड़ा रहता है। लूसन उन्हें अंदर आने देता है और मैथ्यू खिड़की की ओर दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि धुंध छत तक पहुंचकर रुक चुकी है। फिर मैथ्यू उनसे कोई कपड़ा मांगता है जिससे वो छेदों को बंद कर सके, जबकि अना सारा से वॉकी टॉकी से संपर्क करती रहती है और सारा उन्हें बताती है कि पूरा कमरा धुंध से भर गया है, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो कैप्सूल के अंदर है। अब बाद में दोनों जोड़े शहर को देखने के लिए बालकनी में जाते हैं और पूरा शहर धुंध से ढक चुका होता है, सिर्फ लोगों की छत दिख रहे होते हैं। और कॉलेट ये देखकर डर जाती है। उसका पति उसको दिलासा देता है कि उनका बेटा ठीक होगा और उसको वापस अंदर ले जाता है। यह मैथ्यू और अना सोच रहे होते हैं कि ये धुंध अचानक आ कहां से गई, कहीं ये जहरीली तो नहीं है। और तभी उनके ऊपर से दो हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखाई देते हैं और फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं कि कहीं वो भी धुंध की वजह से अफेक्ट ना हो जाए। अब कैप्सूल में दिखाते हैं तो सारा अपने चारों ओर घना कोहरा देखती है। अपार्टमेंट में लूसन और कॉलेट देखते हैं कि खाने का कितना सामान पड़ा हुआ है, जबकि अना अपने फोन में कैप्सूल बैटरी को देखती रहती है। अब चार डंडी बची हुई होती है, इसका मतलब यह है कि सारा के पास अभी भी 10 घंटे की बैटरी बची हुई है। और जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो मैथ्यू एक दूरबीन ढूंढता है, वो उसको अपने कंधे पर लटकाता है और बालकनी से बाहर जाता है और छत पर पहुंचने के लिए एक दीवार पर चढ़ता है। अब छत पर चढ़कर वो पूरे शहर को देखता है।
पूरे शहर में हर जगह धुंध होती है। फिर वो बालकनी में वापस जाता है और देखता है कि लूसन अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। उसका बेटा वहां से दो गली दूर में निचली मंजिल में रहता है, लेकिन लूसन को यकीन है कि उसका बेटा अभी भी सुरक्षित है। तभी कॉलेट वहां आती है और कहती है कि उन्हें अपने बेटे को मिलने जाना चाहिए, और तभी लूसन उसको धुंध के बारे में याद दिलाता है कि बाहर तो देखो कैसी धुंध है, हम जाएं कैसे। उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं। अब अना की सारा के साथ बात खत्म हो जाती है और फिर अना मैथ्यू से बाहर के हालचाल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसने अभी तक कोई भी बचाव दल नहीं देखा है, और यहाँ आना कैप्सूल की बैटरी को लेकर चिंतित है। इसी बीच लूसन एक पुराने रेडियो को ढूंढ कर लाता है और सभी रेडियो को देख रहे होते हैं, और मैथ्यू धुंध की जांच करने के लिए हॉल में जाता है। अब वो अपना हाथ कोहरे में डालता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वो अपने हाथ को सूंघता है, लेकिन उसमें कोई भी सुगंध नहीं होती। अब वो वापस अंदर चला जाता है, जहां अना उस रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। फिर अना सारा को देखने जाता है, लेकिन अना उससे कहती है कि वो इतने लंबे समय तक अपनी सांस को कैसे रोक पाएगा। और फिर मैथ्यू को एक उपाय सोचता है। उसे मिस्टर बेलकन और उसके ऑक्सीजन टैंक की याद आती है, और मिस्टर बेलकम सिर्फ एक मंजिल नीचे रहता है, तो वो ऑक्सीजन टैंक के पास पहुंचने तक सांस रोक सकता है और फिर सारा को देखने जा सकता है। और मैथ्यू खिड़की खोलता है और वो लूसन से एक हथौड़ा, एक टॉर्च और टेप लेता है, और धुंध में जाने से पहले एक लंबी सांस लेता है और धुंध में घुस जाता है। जब वो मिस्टर बेलकम की खिड़की के बाहर पहुंचता है, वो हथौड़े से खिड़की को तोड़ता है और अंदर पहुंचकर टॉर्च से चारों ओर देखता है, और सबसे पहले उसे मिस्टर बेलकम जमीन पर गिरे मिलते हैं, और वो जल्दी से ऑक्सीजन टैंक को ढूंढने लगता है। और जैसे ही उसे वो मिल जाता है, वो मास्क पहनता है और टेप से छेदों को बंद कर देता है, और जब उसकी पत्नी उसको पुकारती है, तो वो खिड़की से बाहर झांकता है और बताता है कि वो ठीक है, चिंता मत करो। अब वो टैंक को एक बैग में डालता है और अपनी पीठ पर टांग लेता है, तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसमें से एक कुत्ते का बच्चा भागकर बाहर आता है, और फिर मैथ्यू उस कुत्ते के बच्चे के साथ औरों को भी जमीन पर गिरा देखता है। अब वो उस अपार्टमेंट से निकलता है और सारा को देखने जाता है, जो डरी भी है। फिर मैथ्यू कैप्सूल की बैटरी बदलने से पहले उसके लिए खाना, एक टॉर्च और वॉकी टॉकी के लिए कुछ बैटरी छोड़कर जाता है, और वो सारा से कहता है कि वो जल्दी उसको बचाने जरूर आएगा। अब ऊपर जाने के बजाय वो बाहर जाने का फैसला करता है, जहां उसे सड़कों पर हर जगह लाशें मिलती है। वो अलग अलग कार्स की बैटरी निकाल रहा होता है, तभी उसे एक सिटी सुनाई देती है, और वो देखने के लिए जाता है कि वो कहां से आ रही है। फिर वो कुछ सैनिक लोगों को देखता है, जो वहां से कुछ लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं, और हर किसी ने मास्क पहना होता है। और जब वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक सैनिक उसको बताता है कि वो लोगों को मौन मारते लेके जा रहा है, जो एक पहाड़ वाली जगह पर है, और इसलिए वहाँ धुंध नहीं पहुँच सकती। अब वो ये भी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि ये कहाँ से आ रहा है और पता नहीं कहाँ तक पहुँच सकता है। फिर मैथ्यू को एक मास्क देने के बाद सैनिक उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि मेरा यहाँ पर परिवार है, मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। और फिर मैथ्यू जाते जाते उनसे एक एक्स्ट्रा मास्क भी मांग लेता है। इसी बीच सारा और अना वॉकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं। सारा अपने पिता के बारे में बहुत ही चिंतित रहती है, और फिर अना उसको कहती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम एक्सरसाइज पे ध्यान दो। और तभी मैथ्यू वापस आ जाता है, और जैसे जैसे बुजुर्ग करीब आते हैं, वो सभी को बताता है कि उसने क्या देखा, और उन्हें बताता है कि उन्हें वही रात बितानी होगी। अब वो अना से पूछता है कि क्या वो सारा को देखने जाना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि अभी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम है, और इसलिए हम तभी जाएंगे जब इमरजेंसी होगी। फिर बाद में रात को अना रेडियो पर काम करती है, जबकि लूसन और कॉलेट उससे सारा की बीमारी के बारे में पूछते हैं। और फिर उन्हें वो पहला दिन याद आता है, जब उनका परिवार बिल्डिंग में कैप्सूल के साथ रहने आते हैं। और इसी बीच मैथ्यू एक बार फिर से कोहरे की जांच करने के लिए हॉल की सीढ़ियों के पास जाता है, और देखता है कि धुंध ऊपर बढ़ रही है। वो धुंध पर नजर रखने के लिए दीवार पर एक पॉइंट बना लेता है, और फिर अंदर वापस जाता है और देखता है कि बुजुर्ग बिस्तर पर सोने जा रहे हैं। और अना के पूछने के बाद वो अना को बताता है कि धुंध काफी बढ़ रही है, और उन्हें महसूस होता है कि उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा, और ये स्थिति अब और भी ज्यादा खराब होने वाली है। फिर मैथ्यू सो जाता है, लेकिन अना नहीं सोती, इसलिए वो सारा के पास जाने का फैसला करती है, और वहां से जाने से पहले कैप्सूल की बैटरी को बदल देती है। मैथ्यू फिर से खुले मैदान में दौड़ते हुए एक लड़की का सपना देख रहा होता है। और फिर मैथ्यू सुबह उठता है और देखता है कि अना रेडियो को अपने घर से लाए उपकरणों के साथ ठीक करने की कोशिश कर रही है, और वो आखिरकार उसको ठीक कर लेती है। लेकिन सभी चैनल पर एक ही आपातकालीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है, और अचानक उन्हें बाहर एक धमाके की आवाज आती है। इसीलिए मैथ्यू और अना छत पर जाते हैं ये देखने के लिए कि वहां पर हुआ क्या है। फिर दिखाते हैं कि मौन मार्त्रे पर आग लगी होती है, वहां से धुआं आ रहा होता है। और जब वो अपार्टमेंट में वापस आते हैं, तो अना कहती है कि उन्हें चार्लोट के घर में रहने जाना चाहिए, क्योंकि वो एक पहाड़ पर रहते हैं और सारा अपने दोस्त के साथ कैप्सूल शेयर कर सकती है। लूसन सोचता है कि सारा अपने कैप्सूल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैथ्यू बताता है कि एक स्पेशल सूट की मदद से उसको वहां से ले जा सकता है। लेकिन वो पेरिस के बीच में एक प्रयोगशाला में है, और फिर अना कहती है कि वो पहले भी प्रयोगशाला में जा चुकी है, इसलिए उसे वहां जाना चाहिए। और मैथ्यू उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करता है। वो सारा के पास अपनी योजना के बारे में बताने जाते हैं, और अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो लूसन के पास अपने वॉकी टॉकी से बात कर सकती है। और फिर सारा उन्हें नोई को देखने के लिए कहती है, जो पास में ही रहता है। अब मैथ्यू और अना सड़कों पर निकलते हैं, और वो जल्दी ही नोई के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाने वाले होते हैं कि वहां एक कुत्ता जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है।
अब वो उससे भागने लगते हैं और गाड़ियों से बचते बचते वो गलती से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आना मैथ्यू के लिए आवाज लगाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो सीधे नदी में गिरता है। और आना एक कार के पीछे छुप जाती है लेकिन वो गलती से शोर कर देती है तो कुत्ता फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब आना बहुत ही हताश और भयभीत हो जाती है और एक बस में चढ़ जाती है और कुत्ता उसका पीछा करता ही रहता है। लेकिन तभी कुत्ता उसके पीछे एक सूटकेस में फंस जाता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। और आना इस बात का फायदा उठाती है और बस की खिड़की से वहां से निकल जाती है और मैथ्यू को ढूंढने के लिए नदी के पास दौड़ती भी जाती है। और उसे मैथ्यू कहीं नजर नहीं आता इसलिए वो सड़क पर उसको ढूंढती रहती है। तभी मैथ्यू तैरकर सीढ़ियों के पास जाता है जबकि आना शहर का नक्शा देख रही होती है। मैथ्यू अपने गीले जैकेट उतारता है और जमीन पर पड़े एक शरीर से सूखी जैकेट निकालकर पहन लेता है। वो ये भी देखता है कि एक गिरी हुई वैन के अंदर एक सूट पड़ा हुआ है जो आगे काम आ सकता है। आना फिर आखिरकार लैब तक पहुंच जाती है और वो जैसे ही अंदर जाने लगती है उसे मैथ्यू दिख जाता है जो उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। अब एक दूसरे को चेक करने के बाद वो अंदर जाते हैं और इसी बीच सारा वॉकी टॉकी के माध्यम से लुसेन से बात करती है। अब लैब के अंदर उन्हें वहां और भी लाशें दिखती है और एक कमरे में थोड़ा आग भी लगी होती है लेकिन वो तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें सूट नहीं मिल जाता। और सूट मिलते ही वो उसको वहां से लेकर निकल रहे होते हैं। वो फिर से आग वाले कमरे से गुजरते हैं लेकिन इस बार वहां एक धमाका हो जाता है और धमाके की वजह से वो दीवार की तरफ चले जाते हैं और बड़ी कोशिश के बाद वो बच जाते हैं लेकिन मैथ्यू के शरीर पर आग लग जाती है। तभी आना वहां पर आग बुझाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है और उसको बुझा भी लेती है। और जब वो अपने पति की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसे ये भी पता लग जाता है कि ये हो क्यों रहा है। धमाके से उसके ऑक्सीजन टैंक की ट्यूब टूट जाती है और मैथ्यू अपना मास्क उतार देता है और आना उसके साथ अपना ऑक्सीजन बांटना शुरू कर देती है। और वो ऊपर की तरफ एक कमरा खोजने जाते हैं जहां अभी तक धुंध न पहुंची हो। फिर वो एक कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैथ्यू के शरीर का हिस्सा काफी जल चुका है। इसलिए जब वो अपनी जैकेट उतारता है तो उस पर थोड़ा पानी फेंकता है और फिर आना दवाई ढूंढने जाती है। और जब उसे वो मिल जाती है तो वो मैथ्यू के पास वापस आकर उसकी मरहम पट्टी करती है। और जब जाने का समय आता है उन्हें पता चलता है कि टैंक में इतना ऑक्सीजन नहीं बचा है कि वो दोनों वापस जा सके। और फिर मैथ्यू आना को कहता है तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और छत पर बचा रहूंगा। और पहले तो आना मना करती है लेकिन फिर मैथ्यू उसको समझाता है कि सारा को तुम्हारी जरूरत है। और फिर दोनों अलग होने से पहले किस करते हैं। और फिर जब आना सड़कों पर सूटकेस लिए भाग रही होती है मैथ्यू छतों के माध्यम से अपना रास्ता बना लेता है। और आना के टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है इसलिए वो बिल्डिंग में जाने से पहले अपना मास्क उतार देती है और लुसेन के घर में लौटने तक वो किसी तरह से अपनी सांस को रोके रखती है। अब वहां उसको पता चलता है कि धमाके की वजह से सूटकेस के अंदर सभी कुछ सिस्टम खराब हो गया है। और इसी दौरान मैथ्यू को एक छत पर पहुंचकर सामान और एक रस्सी मिलती है और रस्सी को परखने के लिए वो उस पर एक झटका देता है और फिर उस पर चढ़कर एक पार्किंग की छत पर पहुंच जाता है। वहां उसे बैग पड़े हुए दिखते हैं और खून के निशान मिलते हैं। अब वो उन खून के निशानों का पीछा करता है और उसे वहां एक पुलिस वाले की लाश मिलती है। अब वो बिल्डिंग में जाता है और उसे वहां एक ऑक्सीजन टैंक और एक बंदूक मिलती है। फिर वो अपने लिए उस टैंक को लेता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एक पुलिस वाला आता है और उसको बताता है कि धुंधाड़ घंटे तेजी से बढ़ रही है। और फिर पुलिस वाला उसको मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है जैसे उसने दूसरे पुलिस वाले के साथ किया था। लेकिन मैथ्यू मास्क पहन लेता है और उसे छत के किनारे से धक्का दे देता है और फिर वो दोनों कार के ऊपर गिरते हैं। और पुलिस वाला अपनी बंदूक तक पहुंचने के लिए मैथ्यू से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन मैथ्यू उसे पीछे से पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक धुंध का असर उस पर नहीं पड़ जाता। अब अपार्टमेंट में दिखाते हैं सारा और आना वॉकी टॉकी की मदद से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिर सारा पूछती है कि क्या हम मर जाएंगे, क्या ये चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी। और तभी आना बताती है कि वो एक साइंटिस्ट है इसलिए वो विश्वास नहीं कर सकती कि ये धुंध कोई दिव्य या जादू है, ये जरूर किसी चीज का रिएक्शन होना चाहिए। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी आना के फोन में आता है कि वहां पर बैटरी खत्म होने वाली है। फिर मैथ्यू सड़क पर दौड़ रहा होता है और आना कैप्सूल की बैटरी बदलने के लिए तैयार हो जाती है और पता चलता है कि कैप्सूल की बैटरी 10 मिनट में खत्म होने वाली है। और फिर लुसेन कहता है कि वो बैटरी बदलने के लिए जा सकता है क्योंकि वो सोचता है कि वो एक आदमी है और उसकी उम्र ज्यादा है तो अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आना मना कर देती है। अब सारा के साथ एक और छोटी सी बातचीत के बाद आना अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और सारा के पास पहुंच जाती है जिसकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब सारा देखती है कि उसकी माँ ने मास्क नहीं पहना है और उसके लिए बड़ी चिंतित होती है। लेकिन आना सिर्फ कैप्सूल की बैटरी को बदलने पर ध्यान देती है। जैसे ही वो बैटरी बदल लेती है तो वो भागते वहां से बाहर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद मैथ्यू वहां आता है और सारा उसे बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब उसकी बात सुनकर वो ऊपर की ओर भागता है और आना को सीढ़ियों पे गिरा हुआ पाता है। सारा उसको रोते हुए सुनती है और अपार्टमेंट में पहुंचते ही उसे वापस वॉकी टॉकी पर बुलाती है। वो बालकनी में जाता है और उसे आना के बारे में बताता है। फिर कुछ देर बाद लुसेन और कॉलेट अपार्टमेंट में टाइम पास कर रहे होते हैं कि तभी पेरिस में भूकंप आ जाता है। मैथ्यू बालकनी में जाता है और देखता है कि धुंध उनके अपार्टमेंट तक पहुंच रही है और अब वो ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकते। और फिर उसे वाला सूट याद आता है जो उसने वैन के पास देखा था और वो सारा के लिए उस सूट को ले जाने की तैयारी करता है। वो लुसेन और उसकी पत्नी के लिए ऑक्सीजन भी लाने जा रहा होता है लेकिन लुसेन उसे मना कर देता है और कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है लेकिन वो अपने बेटे के बिना इस जिंदगी को और नहीं जीना चाहेंगे, इसलिए वो कहता है कि वो अपार्टमेंट में ही रुकेंगे।
फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से निकलता है और सारा के पास जाता है, लेकिन उसको बताता नहीं कि वो जा रहा है। और सारा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उसकी माँ की तरह मारे जाएंगे। लेकिन मैथ्यू उससे कहता है कि सिर्फ यही एक तरीका है और वो वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। अब अपार्टमेंट में लूसेन और उसकी पत्नी बेड पर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर रहते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताई है और वो हमेशा साथ रहेंगे। और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और धुंध उनके कमरे में आ जाती है। अब बाहर दिखाते हैं तो मैथ्यू जल्दी उस सूट को ढूंढ लेता है और सूट लाने के बाद वो घर की तरफ वापस दौड़ता है और रास्ते में उसे चाबियों के साथ एक स्कूटर मिलता है, इसलिए वो उस स्कूटर में जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है अचानक से एक लड़का उसके सामने आ जाता है और मैथ्यू उसको बचाने के लिए अचानक मुड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कैप्सूल में सारा मैथ्यू को वॉकी टॉकी से कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उनके सामने आता है और सड़क पर मैथ्यू धीरे धीरे होश में आता है और देखता है कि उसके सर पर काफी चोट आई हुई है। वो सूट और वॉकी टॉकी को उठाता है और अपनी बेटी को संपर्क करने की कोशिश करता है। वो कुछ दूर जाता है लेकिन चोट के दर्द की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और वो किसी तरह से खड़ा ही रहता है और अपनी तरफ दो परछाइयों को आते हुए देखता है। वो सारा और नोई होते हैं। सारा भागते हुए मैथ्यू की तरफ आती है और अपने पिता को पहली बार गले लगाती है। अब आखिरकार मैथ्यू अपनी बेटी को गले लगा ही लेता है और सारा बताती है कि नोई इसको लेने आया था क्योंकि धुंध का असर युवाओं पर नहीं होता। मैथ्यू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सारा के सर पर किस करने के लिए वो एक सेकंड के लिए अपना मास्क उतार देता है और उससे फिर गले लगा लेता है। मैथ्यू उससे कहता है कि आखिरकार वो अब आजाद है। फिर से आखिरी बार वही सपना दिखाया जाता है लेकिन इस बार ये साफ दिखता है कि वो सारा है और उसके साथ नोई और उसके दोस्त होते हैं। मैथ्यू उठ जाता है और हमें दिखाते हैं कि कुछ समय बीत चुका होता है और चीजें बदल चुकी होती है। अब मैथ्यू कैप्सूल में रह रहा होता है और सारा बाहर उसका ध्यान रख रही होती है और उसके साथ वॉकी टॉकी पर बात करती रहती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।